हेलो दोस्तों, आज हम मक्के के गरम गरम पकौड़े कैसे बनाते हैं बिल्कुल एकदम फटाफट, वो भी झटपट, क्योंकि बरसात का मौसम है तो मक्का मार्केट में बहुत आ गया है। तो पहले तो मक्के को निकालना कैसे वो बता दूंगा आसान तरीके से, और इसके गरम गरम पकौड़े कैसे खाने हैं मक्के के वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए गरम गरम झटपट मक्के के पकौड़े बनते हैं। तो ये भाई मक्का, ये देखिए इस प्रकार से इसको छील लेना है, इसको देखिए ये इसके दाने जो है एकदम मुलायम और सॉफ्ट है। तो अब इस भुट्टे को अपने को सबसे पहले क्या करना है भाई, बीच में सबसे पहले कट कर लेना है अपने को, ये फटाफट निकालना है, यहाँ पर पकड़ लीजिए और ऐसा करके निकाल दीजिए। ये देखिए ये दाने निकल गए, ये दाने निकल गए, ये दाने निकल गए, देखिए झटपट अपना पूरा काम हो गया, दाने निकल चुके हैं। ये मैं आपको दाने भी दिखा देता हूँ, ये देखिए तो ये फटाफट हो जाते हैं। देखिए देखिए भाई, हमने दो मक्का डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले पड़ेगा बेसन, तो चार चम्मच, ये देखिए चार चम्मच बेसन में डाल रहा हूँ। ये वाले चम्मच मैंने लिए, दो तीन चार चम्मच बेसन चले गए, और थोड़ी सी खड़ी मिर्ची भी, ये अदरक मिर्ची का पेस्ट चला गया, खड़ी मिर्ची भी चली गई। तो ये नमक ले रहा हूँ, आप नमक को स्वाद अनुसार ले सकते, क्योंकि ये मक्का बहुत मीठा है तो नमक को आप इस पैसे ले गए तो ताकि उसकी मिठास भी आपको आएगी। काली मिर्च का पाउडर, ये काली मिर्च का पाउडर देखिए मैं आधी चम्मच लिया हुआ है जो डाइजेशन के लिए ठीक है। हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे, देखिए इतना लिया हुआ है तो कॉर्नफ्लावर चला जाएगा इसके अंदर। हरा धनिया भी डालूंगा मैं। पानी भाई बहुत कम कम मिक्स करना है, और आपको देखना है बैटर एकदम ढीला भी नहीं हो जाए आपका, नहीं तो वो बनेंगे नहीं, पकेंगे नहीं, और पकौड़ियाँ बनने की जगह पानी पानी हो जाएगा। तो आप अब इसके बाद जो है इसको डुबकी लगाई जाएगी गरम गरम तेल में, तो मस्त एकदम क्रिस्पी फाइन निकलेगा, और उसके बाद सॉस के साथ खा सकते हो। चलिए आप तल के दिखाते हैं। तो हमारे को जो हमने बनाए थे उसको छोटे छोटे पकौड़ियाँ बनाने के, एकदम छोटे छोटे ऐसे बना के इसको डाल लेंगे। देखिए रेडी हो गया, देखिए कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। ये देखिए ये मकई के पकौड़े आप देख सकते हैं। तो इसको स्लो और मीडियम गैस पे आप उसको पकाने का, आप इसको कुरकुरे एकदम मस्त हो गए। देखिए आप कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम आप देख सकते हैं एकदम काफी अच्छे बन गए। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे मक्के के पकौड़े रेडी है, बहुत ही सिंपल है जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना, आपको क्वेश्चन जरूर करूंगा, जब आप तल रहे हो ना तो ढक्कन से ढक देना, क्योंकि इसके अंदर ये अंदर से फटते हैं तो कई बार उठते हैं तो कहीं आपको चोट ना पहुंच जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं। इसको जब तल रहे हैं तो ढक्कन से ढक देना आप, कोई भी जाली वाले ढक्कन से इसको ढक देना आप, ताकि आपके ऊपर गरम तेल का छींटा या फूट के ये बाहर किसी पे गिरे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट झटपट आप इसके मक्के के पकौड़े बना सकते हैं। ओ मक्के के पकौड़े बनाने हैं तो मेरी रेसिपी के हिसाब से इस मक्के के पकौड़े बनाइए। और दूसरा मैं आपको बोलूंगा, ये बहुत ही औसम इसका बना हुआ है, क्रिस्पी बना हुआ, तो मैं एक आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। एक मैंने पकौड़ा लिया हुआ है, देखिए रहा नहीं गया, मैं सोचा टेस्ट कर लूँ। क्या बहुत बढ़िया बनाया, औसम क्रिस्पी बना हुआ है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबाइएगा जिससे नई नई डिश की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, थैंक्स।